चलो नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और हम हैं बगोली में और चलो चलते हैं, दादा दादी से मिलना है, मंदिर में घूम ली है, कुछ आपको सिनेमेटिक्स दिखाएंगे और उसके बाद में ये लोग पवन भाई वगैरह घूम रहे हैं, हम भी चलो आपको दिखाते हैं नया नज़ारा और नई चीज़ें और मंदिर घुमाते हैं। चलो यहाँ पर नाग देवता है पर आना कहाँ से ये नहीं पता है और ये मंदिर यहाँ पर सामने, और चलो चलते हैं बाकी लोगों से मिलाते हैं आपको, चलो चलते के अंदर चल रहे हैं, इसलिए लोग घूमते हैं और फिर देखते हैं यहाँ पर पता नहीं कौन है, पहचान लो बाकी लोग और देख लो अंधेरा हो गया है, लाइट चालू करते हैं और फिर दिखाते हैं सामने का सीन। ये हिरन है क्या? घर पर सीन गौ माता है क्या? पैर में बहुत ज्यादा चोट मार रहे हैं। अरे तो अपन निकले कहाँ पर यहाँ? यार आ गया यार अपन तो हम पर उधर जो हमको मिलाने वाला है अपने दादा दादी से, मामा मामी से, उनके भी दादा दादी है, तो चलो दिखते हैं और मिलाते हैं आपको भी, और चलो इधर साइड जा रहा है आपके अपने पीछे, तो चलो दिखाते हैं। दादा दादी तो दिख गए हैं ये। उन लोग 8-9 दिन से यहाँ पर यज्ञ कर रहे हैं और
यज्ञ में आहुति डाल रहे हैं और इसके बाद में हम लोग भी यहाँ पर उनको देखने आए हैं, मिलने आए हैं और आज लास्ट दिन है, तो चलो चलते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर बाद में। हम लोगों ने भी आहुति डाल दी है और यहाँ हम लोगों को कोई काम नहीं है, अंधे भी घूम लिए सब कुछ। ये देख लो इनको इतनी नींद आ रही है, टाइमिंग का खेल पता है, बहुत बढ़िया। आँख में नींद भले आपकी दिख रही है, मुझे समझ में आ रहा है सबको, ठीक है तो चलो चलते हैं। और घर की ओर मैं बोलूँ कहीं रोटी वोटी खिला रहा हूँ, खाना खाने का तो यहीं पर है, ये बोल रहा खाना खिला दो, तो चलो देखते हैं कहीं ना कहीं अगर आ जाए क्या भंडारा तो इनको भी खिला देंगे। तो चलो आगे मिलते हैं। कोई बड़ी रेस्टोरेंट बोलता है कि बड़ो रेस्टोरेंट देखने क्या जरूरत है, हनुमान जयंती है सब दूर बड़ा ही रेस्टोरेंट रहेगा, भंडारा किधर रहेगा, वहीं चलते हैं और वहीं चलो मिलते हैं। तो तो क्या पैर के अंदर नीचे काटते की मधुमक्खी? स्वाहा शूलाय स्वाहा महाकालाय स्वाहा दुर्गाय स्वाहा कृष्ण। जो लोग बाकी हैं वो लोग आ जाए, स्वाहा का समय हो चुका है, गणपति स्वाहा अब गणेशवाय स्वाहा अब गणनाथाय। चलो चलते हैं और इसके बाद में देख लो ये गाड़ी चलाने को बोल रही है मेरे को, चला लो भाई बहुत बुरी तलाक लाई थी मैंने, तो चलो चलते हैं और आगे मिलते हैं। ये देख लो ऐसे लोग हैं अपने साथ में, तो चलो ठीक है मिलते हैं थोड़ी देर बाद में। रुक चुके हैं मुलताई में, माँ सूर्यपुत्री ताप्ती का उद्गम स्थल जहाँ पर है वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं, और चलो आपको दिखाते हैं सूर्यपुत्री माँ ताप्ती का उद्गम स्थल जहाँ से वो निकलती है, और इसके बाद में हम घूम रहे हैं, आपको भी घुमाया जाए मुलताई शहर। और अपने साथ पीछे पवन भाई है और बाकी लोग तो श्याम और सुधाकर निकल गए हैं, थोड़ा कॉल वगैरह आ रहे हैं, तो चलो दिखाते हैं यहाँ पर उद्गम स्थल। ये रहा सूर्यपुत्री माँ ताप्ती की नगरी जहाँ पर उद्गम स्थल माना जाता है, और यहाँ से ताप्ती जी निकली है जो हमारे आठनेर मांडवी ताप्ती में पहुँचती है, और उसके बाद में जाती है खिड़ी ताप्ती में हिजदई वाली, और इसके बाद में हम लोग जहाँ पर एंजॉय करते हैं घूमते हैं ज़्यादातर वो प्लेस पर ये ताप्ती जाती है। और हम मैं कहूँ तो मैं तो बहुत टाइम के बाद में यहाँ पर आया हूँ, पवन भाई वगैरह क्योंकि यहाँ का एंट्रेंस भी मालूम था ये आए वाले हैं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं आया। और जैसे कि हम भगोली गए थे पिछला ब्लॉग अगर आपने देखा होगा, नहीं भी देखा हो तो जल्दी से जल्दी जाए पिछला ब्लॉग देखे, उसमें देखे हम भगोली गए थे जामसवार के मंदिर गए थे, बहुत अच्छा लगा। घूमते रहना चाहिए, क्या पता कभी बुलावा आए या ना आए, लेकिन जब आया है तो बिल्कुल घूमना चाहिए, और अगर हम घूम रहे हैं तो आपको भी घुमा रहे हैं। तो चलो चलते हैं, हो चुका है टाइम अपना चलने का, और चलो चलते हैं। गाड़ी में चाबी लगाते हैं, मुलताई शहर को कुछ भगवा रंग से हनुमान जयंती पर सजाया हुआ है, यहाँ का लुक अगर हम देखें तो बहुत बढ़िया और बहुत शानदार है, और यहाँ पर लग रहा है कि हनुमान जयंती। चलो चलते आगे। Thank you.
है, तो कुछ टाइम बाद हम लोग निकलते हैं। वैसे टाइमिंग अगर हम बात करें टाइमिंग की, तो 12:30 बजने वाले हैं और 12:30 बजे है, तो 1-2 घंटे थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं। जामसौरी का सफ़र बहुत लंबा सफ़र था, वैसे तो बहुत अच्छा सफ़र था, लेकिन धूप के कारण कुछ ज़्यादा ही परेशानी दिक्कत हो रही थी, और उससे ज़्यादा या फिर कहे उससे ज़्यादा कोई गड़बड़ी नहीं हुई हमारी लाइफ में, लेकिन कहीं ना कहीं आँखों में इतना ज़्यादा जलन हो रहा, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे लाली आ गई है, तो वही एक जलन कर रहा है, बाकी तो कोई भी परेशानी नहीं है। लाइन में लगे बहुत अच्छे, जामसारी में दर्शन करें, और इसके बाद में मुलतापी माँ ताप्ती की जन्मभूमि जहाँ से माँ ताप्ती निकली है वहाँ पर भी घूमें, और चलो चलते हैं अभी, और मिलते हैं कुछ टाइम बाद में।